सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अंचलपुर युवा नेता रविभाव वानखेड़े ने दाखिल किया अंचलपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन। बहुजनों का बहुचर्चित युवा चेहरा जनता जनार्दन के स्थानीय युवा कार्यकर्ता रविभाव वानखेड़े ने 30 सितंबर को अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया था। कहा जा रहा है कि रविभाव वानखेड़े सिर्फ 25 वर्ष के ही हैं और उन्होंने महाराष्ट्र में पहला अपना नामांकन दर्ज किया है। इस वजह से रविभाव वानखेड़े का महाराष्ट्र से सभी तरफ से स्वागत किया जा रहा है। युवा आंदोलन कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और उनके कई आंदोलन को यश भी आया है। रविभाव वानखेड़े विदर्भ राज्य आंदोलन समिति युवा आघाड़ी के अमरावती जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विदर्भ की जनता पर दिन और रात अन्याय बढ़ रहा है, इसलिए अलग विदर्भ मांग वह कर रहे हैं। इतने कम उम्र में रविभाव वानखेड़े स्वर्गीय विदर्भवादी जाबूत मंत्र ढोटे की तरह ही दाढ़ी और मूछ रखते हैं, इसलिए विदर्भ की जनता उन्हें जूनियर जाबूतवंत राव ढोटे भी कहते हैं। 1 मई 2018 को जो नागपुर विधानसभा भवन पर शेतकरी संगठन और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से निकाला गया मोर्चा, उस दिन हुए लाठीचार्ज में रविभाव वानखेड़े पूरी तरह घायल हो गए थे और उस दिन रविभाव वानखेड़े को विदर्भ की जनता को न्याय दिलाने के लिए अपना खून जमीन पर गिराना पड़ा था। उस दिन विदर्भ में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में युवा कार्यकर्ता रविभाव वानखेड़े का चेहरा सामने आया था। इस आक्रामकता की वजह से पूरे विदर्भ की जनता उन्हें जूनियर जाबूतवंतराव ढोटे कहते हैं। राजकारण से ज्यादा सामाजिक कार्य में अपना योगदान देते रहे हैं। कहा जा रहा है कि रविभाव वानखेड़े इनका RPI शिवसेना BJP कांग्रेस राष्ट्रवादी तथा अन्य सभी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता के साथ अच्छे संबंध है और इसका फायदा रविभाव वानखेड़े होगा। इस तरह की चर्चा अंचलपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। कुछ लोग तो उन्हें चुनाव से पहले ही अपना विधायक बोलने लगे हैं। इसके कारण अंचलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रहार पक्ष के बच्चूभाव कड़ू और अपक्ष युवा कार्यकर्ता रविभाव वानखेड़े दोनों में अमीर के विरुद्ध गरीब ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि अंचलपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बौद्ध और मुस्लिम ये निर्णायक मत रहेंगे और रविभाव वानखेड़े ये बौद्ध समाज के हैं। इस बार अचलपुर से रविभाव वानखेड़े अलावा विरोधी पक्ष को टक्कर देने लायक स्थानिक एक भी नेता नहीं है। रविभाव वानखेड़े का मुस्लिम समाज में भी अच्छा वर्चस्व तथा अच्छे संबंध रहने की वजह से अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार युवा कार्यकर्ता की विधायक बनने से कौन रोकेगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद आप मेरे साथ देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और खबरें उन पर भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।